नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 180वां एपिसोड। आज है 23 जनवरी 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2021 के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग और आने वाली इंडिया इंग्लैंड सीरीज के भी हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, चेन्नई के फैंस के लिए बहुत बड़ी अपडेट मिलेगी और बाकी टीमों के लिए भी बड़ी बड़ी अपडेट है, सारी खबरें बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को भी कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों रॉबिन उथप्पा के हवाले से आ रही है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से रॉबिन उथप्पा की ट्रेडिंग हो चुकी है और वो अगले आईपीएल में 2021 में अब चेन्नई की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब ट्रेडिंग की कीमत भी सुन लीजिए दोस्तों, 3 करोड़ रुपए की कैश ट्रेड हुई है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 3 करोड़ रुपए राजस्थान रॉयल्स को दे दिए हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास उथप्पा थे और उथप्पा उड़कर फ्लाई कर आ गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। यहाँ पर दोस्तों कैश ट्रेड का मतलब यह होता है कि जिस भी टीम से खिलाड़ी गया है उसके पर्स में नीलामी में 3 करोड़ रुपए ऐड हो जाएंगे और उथप्पा को तो 3 करोड़ रुपए मिलेंगे ही बिकॉज उनकी वो प्राइस है। तो इस तरह से ये ट्रेड हुई है, 3 करोड़ रुपए में उथप्पा फ्लाई आउट करे हैं चेन्नई की टीम में। बड़ी अपडेट थी, आप तक बताना जरूरी था। चलो दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है एलेक्स कैरी और नेथन फुल्टर नाइक के हवाले से। बिग बैश लीग चल रही है, इन दोनों का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है, बुरा नहीं है, लेकिन इन दोनों ने बड़े बयान दिए हैं। इन दोनों ने कहा है कि दे आर नॉट सरप्राइज्ड विद रिलीजिंग देम, ये पहले से ही अपने आप को महंगा मानकर चल रहे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, दोनों पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि ये महंगे हैं और ये रिलीज होंगे, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खिलाड़ियों को पहले से ही सब पता होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, नीलामी में क्या होगा। कई खिलाड़ियों को अभी पता लग चुका होगा क्योंकि टीमें अप्रोच कर देती हैं और इन दोनों ने इसी बात का कुछ एक तरह से खुलासा किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। भाई, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों, आईपीएल 2021 से जुड़ी हुई सारी अपडेट यहां पर तो आपको चैनल पर मिली रही है, लेकिन टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। तीसरी खबर बताने से पहले ये जरूर बता दूं, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी खबरें सबसे पहले मिल रही है, जो टेलीग्राम पर देखते हैं उन्हें ये बात पता होगी। तो टेलीग्राम पर चाहिए था रियल एमसीपी सर्च कीजिए, 37,000-38,000 लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, देर बिल्कुल मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीएसएल तीसरी खबर पीएसएल से जुड़ी हुई है। खबर यह है दोस्तों कि क्विंटन डी कॉक, जो कि इस समय करेंटली पाकिस्तान में ही गए हुए हैं सीरीज खेलने के लिए, उन्होंने पीएसएल पर टालम टोली कर दी है। उनसे पूछा गया था कि क्या पीएसएल में खेलेंगे पाकिस्तान में आकर इस बार जो पीएसएल होगा, तो क्विंटन डी कॉक ने साफ कहा है कि उन्हें उनके बिजी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक शेड्यूल को देखने के बाद ये फैसला लेना पड़ेगा। मतलब यहां से एक चीज तय हो गई है कि डी कॉक का खेलना तय नहीं है, उन्होंने टालम टोली कर दी है पीएसएल में खेलने की। क्या इसका रीजन आईपीएल है, मुझे नहीं पता, अगर आपको बताए तो कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। ये आ रही है भाई आईपीएल की नीलामी से जुड़ी हुई। चेन्नई में 18 फरवरी को नीलामी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। दोस्तों, लगातार नीलामी की डेट फ्लक्चुएट कर रही है और बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि पहले जो सेकेंड वीक ऑफ फेब में नीलामी होने वाली थी उसे आगे बढ़ा दिया जाए, और इसीलिए थर्ड वीक ऑफ फेब मतलब अराउंड 18 फरवरी की तारीख तय हुई है, और अहमदाबाद नहीं चेन्नई में ये नीलामी की प्रक्रिया हो सकती है। दोस्तों, पहले अहमदाबाद फैसला लिया गया था, लेकिन अब कोविड की स्थिति लगभग कंट्रोल में है और इसीलिए चेन्नई में ये प्रोसेस होती हुई दिखेगी। बड़ी अपडेट थी, 18 तारीख को हम नीलामी के टेबल को सजे हुए देख सकते हैं। अगर आप भी नीलामी के लिए एक्साइटेड है, वीडियो लाइक कीजिए, और आपके हिसाब से कौन सी टीम सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदेगी ये कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। ये शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के हवाले से आ रही है। दोस्तों, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट का शेड्यूल आ गया है। 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट चलेंगे और उसका शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कौन सी टीम जीतेगी इस मैच वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भाई, उमेश यादव चेन्नई में खेल सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, उमेश यादव को आरसीबी ने बाहर कर दिया है, इसका हिंट उन्होंने खुद दे दिया है। दोस्तों, आप अभी जाइए इंस्टाग्राम पर और देखिए वो किसे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली चेन्नई को फॉलो कर लिया है
चेन्नई ने भी उमेश यादव को फॉलो बैक कर लिया है। मतलब क्या है, मतलब संकेत आ गया है, पर्दे के पीछे डील हो चुकी है, नीलामी में बोली लगने वाली उमेश यादव के ऊपर। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उमेश यादव को खरीद सकती है, तो कुछ इस तरह की जर्सी में अब हमें उमेश यादव दिख सकते हैं। 90% इसके चांसेस बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आरसीबी को अनफॉलो भी इंस्टाग्राम पर कर दिया है और यहीं से ये साफ हिंट निकल कर आया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, ये जो खबर है, ये इंडिया इंग्लैंड सीरीज के हवाले से आ रही है। दोस्तों इंडिया इंग्लैंड सीरीज में बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक नया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड्योरेंस टेस्ट की जो है घोषणा की है। हर खिलाड़ी को 8.5 मिनट में 2 किलोमीटर भागना पड़ेगा, बैट्समैन और विकेट कीपर को ऐसा करना पड़ेगा, गेंदबाज को दोस्तों 8 मिनट 15 सेकंड में 2 किलोमीटर भागना पड़ेगा। जो नहीं भाग पाया उसका सिलेक्शन भारतीय टीम में नहीं होगा, चाहे उसका कैसा भी फॉर्म हो, चाहे वो कितना ही अच्छा खिलाड़ी हो। योरो टेस्ट के जो बेंचमार्क है वो वैसे ही रखे गए हैं। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि ऋषभ पंत की फिटनेस के ऊपर बहुत सवाल उठे थे, पृथ्वी शॉ की फिटनेस के ऊपर बहुत सवाल उठे थे ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए बीसीसीआई ने फैसला लिया है। बहुत सारे खिलाड़ी इसे फेल भी कर सकते हैं, देखना होगा क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, बात करते हैं दिन की आठवीं बड़ी खबर की आ रही है भाई। पहले 2 टेस्ट मैचों से जुड़ी हुई, चेन्नई में 2 पहले टेस्ट मैच होने वाले हैं इंडिया इंग्लैंड सीरीज के। इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट दोस्तों यह है कि ये दोनों टेस्ट मैच क्लोज डोर में होंगे। पहले कहा जा रहा था कि पब्लिक बैठेगी सीरीज में, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं बैठेगी भाई, क्लोज डोर में होगा। फिर कहा गया बैठेगी, लेकिन अब फाइनल हो गया, शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में कोई भी पब्लिक नहीं दिखेगी। और मैं यहां से एक चीज जरूर बोल सकता हूं, मुझे नहीं लग रहा है इस पूरी सीरीज में पब्लिक बैठी हुई दिखेगी, क्योंकि शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी हमें पब्लिक बैठी हुई नहीं दिखी थी। तो मुझे नहीं लग रहा बीसीसीआई रिस्क करेगी इंग्लैंड सीरीज में, बाकी फिर समय बताएगा, लेकिन अभी ये स्थिति थी तो आप तक हमने पहुंचा दी खबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर भी दोस्तों इंडिया इंग्लैंड सीरीज के हवाले से आ रही है भाई। अब अंग्रेजों की बोलती बदल भी गई है, बंद तो पहले ही हो गई थी, बदल गई है। ग्रैम स्वान जिनको हमने पहले बहुत देखा, अब तो संन्यास ले चुके हैं, बहुत ग्रेट स्पिनर रहे इंग्लैंड के, उन्होंने इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर अपनी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, इंग्लैंड को एशेज से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भारत को भारत में हराने के लिए। और भाई ये जो सीरीज रहेगी ग्रीम स्वान के हिसाब से, ये एशेज जो होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, उससे बड़ी सीरीज रहने वाली है। और भारत में भारत को हराना एक डिफरेंट चीज रहेगी इंग्लैंड की टीम के लिए। तो मतलब इन्होंने अपनी टीम के खिलाफ एक तरह से बयान दिया। अब खिलाफ क्या भाई, जैसा उनको लग रहा है, उन्होंने बोला है इसमें कोई देशद्रोह या वो तो कुछ हो नहीं जाता, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि ये जो इंडिया इंग्लैंड सीरीज है ना, ये भारत की तरफ झुकी हुई है, अंदेशा उनका ये। बात करते दिन भर की दसवीं बड़ी खबर की इंडिया इंग्लैंड सीरीज के हवाले से आ रही है भाई। खबरें बटी पड़ी है सीरीज से, क्योंकि बटलर सिर्फ शुरुआती 1 टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद वापस लौट जाएंगे। रीजन है दोस्तों रेस्ट पॉलिसी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की रेस्ट पॉलिसी है, जिसमें अगर कोई बड़ा खिलाड़ी हो है जो बटलर के कद का है, उसे रेस्ट दिया जाना कंपलसरी कर दिया है इन लोगों ने, ताकि उसे ज्यादा सालों तक खिलाया जा सके। पहले ये लोग एंडरसन ब्रॉड के साथ ऐसा करते हुए, एलिस्टर कुक के साथ भी इन्होंने ऐसा किया, अब बटलर के साथ कर रहे हैं। तो बटलर सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेलेंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट, यूट्यूब कमेंट बॉक्स आप ले लिया, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।